टी20 के बाद भारत के लिए लगा खुशखबरियों का अंबार। भारत पहली बार बनने जा रहा है बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति। भारत को लेकर के पहली बार हुआ चमत्कार, महाशक्ति देशों को बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारत की मेजबानी में इस बार G20 समिट बेहद शानदार तरीके से संपन्न हो गया है और दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे उन सभी ने भारत की जमकर के तारीफ की है। दोस्तों सबसे बड़ा काम तो G20 घोषणा पत्र को लेकर के हुआ है, जिसमें भारत ने रूस को बचा लिया है और रूस पर इतना बड़ा उपकार किया है कि खुद रूस ने भारत को अब तगड़े से धन्यवाद दिया है, क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीतिक समझ का इस्तेमाल करते हुए इस घोषणा पत्र में रूस की निंदा वाला चैप्टर ही ऐड नहीं होने दिया। इससे भारत और रूस की दोस्ती भी बची रही और घोषणा पत्र पर सभी मेंबर भी सहमत हो गए। वहीं दोस्तों ये समिट भारत के लिए बेहद खास रहा है और इस समिट के संपन्न होने के तुरंत बाद ही भारत के लिए देर दनादन एक नहीं बल्कि कई सारी खुशखबरियां आ गई हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत को भयंकर गुड न्यूज मिल रही है, जिससे जो पहले से महाशक्ति देश हैं उनके पसीने छूट गए। दोस्तों आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है और क्या है ये बड़ी गुड न्यूज, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, लिहाजा मेरे साथ में लगातार बने रहिए। 3 दिन में भारत के लिए खुशखबरियों का तूफान, भारतीय इकोनॉमी को लेकर के हैरान करने वाले आंकड़े, दुनिया भर की एजेंसियों को बदलने पड़ रही है प्रेडिक्शंस। दोस्तों इस बार G20 समिट तो भारत के लिए बहुत शानदार रहा है, भारत कई रणनीतिक फायदे इसमें ले चुका है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले 3 दिनों में लगातार खुशखबरियों का तूफान आ चुका है। दोस्तों यकीन मानिए, इससे जहां एक तरफ भारतीय इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो रहा है तो वहीं भारत की जो इज्जत है उसमें अब 4 चांद लग चुके हैं। दोस्तों बड़ा फायदा भारत को अफ्रीका के अंदर हुआ है, क्योंकि भारत के प्रयासों के बाद ही अफ्रीका को अब G20 के अंदर शामिल कर लिया गया है और उसके बाद में अफ्रीकन कंट्रीज ने भारत को लेकर के क्लियरली कहा है कि भारत की वजह से ही वो इसके अंदर शामिल हुए हैं और इस क्षण के लिए वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। यानी दोस्तों भारत के लिए अब अर्थव्यवस्था के द्वार अफ्रीका के अंदर तगड़े तरीके से खुल गए हैं। तो वहीं दोस्तों G20 में जितने भी नेता पिछले 2 दिनों के अंदर भारत आए थे वो सभी अपने अपने देशों के अंदर आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। सभी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अपनी इकोनॉमी को आर्थिक मंदी में जाने से रोका जाए, उनके अपने यहां के जो स्टॉक्स हैं उन्हें गिरने से बचाया जाए और अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे दूसरे देशों में जाने से रोका जाए, क्योंकि दोस्तों ये लगातार हो रहा है। जैसे जैसे इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की ओर जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इन देशों पर से हट चुका है, इनकी इकोनॉमी से इनका भरोसा हट गया है। और दोस्तों ऐसे में भारतीय इकोनॉमी के लिए ऐसी गुड न्यूज आना इसे बहुत पावरफुल बना देती है। लेकिन दोस्तों ये खुशखबरी क्या है, तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है उसकी बात करते हैं। दोस्तों ब्लूमबर्ग ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर के अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि भारत में G20 समिट के दौरान ही भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 trillion के वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुका है और यकीन मानिए ये भारत के लिए एक बम्पर खुशखबरी है, क्योंकि दुनिया भर के शेयर मार्केट आप उठा करके देख लीजिए सब क्रैश हो रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं विदेशी इन्वेस्टर्स। दोस्तों आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ ही महीनों के अंदर विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर $16 बिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों आपका भी सवाल हो सकता है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, तो जवाब है भारत की अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों के पास, जो इस पैसे को लेकर के अपनी कंपनियों को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और नए लोगों को नौकरियों पर लगातार रख रहे हैं, अपना प्रोडक्शन ये बढ़ा रहे हैं और फिर इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। और दोस्तों इसीलिए जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं वो मध्यम दर्जे तक पहुंचती हैं, जो मीडियम लेवल की कंपनियां हैं वो बड़े लेवल पर पहुंच जाती हैं और जो बड़े लेवल की कंपनियां हैं वो इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए मेगा लेवल पर इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर देती हैं। लिहाजा भारत के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन दोस्तों ये खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। दोस्तों ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से दोस्तों भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 trillion तक पहुंच चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारतीय जीडीपी भी $3.7 trillion से उठ करके $3.8 trillion तक पहुंचने जा रही है। अब बस कुछ ही बिलियन का फासला रह चुका है जब हम
जर्मनी को पछाड़ करके चौथी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनके जीडीपी में फिलहाल बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है। यानी कि हम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं जर्मनी तेजी के साथ में डाउन होता जा रहा है। लिहाजा भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कुछ ही वक्त दूर है। और दोस्तों अच्छी खबरें यहीं समाप्त नहीं होती हैं। दरअसल पिछले हफ्ते भारतीय खजाने के आंकड़े भी निकल कर के सामने आ चुके हैं और वो बहुत शानदार हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमारे खजाने में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब न केवल इस गिरावट पर ब्रेक लग गया है बल्कि हमारे खजाने में स्ट्रॉन्ग कमबैक भी हो चुका है। पिछले हफ्ते भारतीय खजाना $4 बिलियन पहुंच करके दोबारा फिर से $598 बिलियन के मार्क को छू चुका है और नेक्स्ट पीक अब $600 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। लेकिन दोस्तों खुशखबरी यहीं खत्म नहीं हो रही, हमारे जीडीपी के लिए भी एक और शानदार खबर है। जैसे दोस्तों आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर इंडियन जीडीपी की रफ्तार 7.8% तक रही है और ये बहुत ही शानदार है, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा था कि भारत की रफ्तार इस साल के पहले क्वार्टर में 5 से लेकर 6% तक रहने वाली है, लेकिन भारत ने इन सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए 7.8% की रफ्तार हासिल कर ली है। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की एजेंसियां फिर से सक्रिय हो चुकी हैं और उन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था पूरे साल के लिए वो 6% ही था, अब इन सभी एजेंसियों ने अपने आंकड़ों को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है और ऑलमोस्ट सभी मेजर एजेंसीज, चाहे वो फिच हो, मूडीज हो या फिर IMF हो, सभी कह रही हैं कि पहले अनुमान लगाया गया था 6% का, लेकिन अब हमारा नया अनुमान है कि इस साल यानी कि 2023-24 में इंडियन जीडीपी की रफ्तार 6.7% से ज्यादा की हो सकती है। और दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि भारत इस वक्त चीन से बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। बड़ी बात यह दोस्तों कि दुनिया के अंदर इंडियन इकोनॉमी अकेली इकोनॉमी है जो इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत की धमक के लिए बहुत जरूरी काम था, क्योंकि G20 के बाद अब भारत बड़ा खेल कर चुका है।